कहानी है उस समय की जब भारत में भयावह स्थिति पैदा हो गई। तब हम तीन दोस्तों ने रात को ही निकल पड़े अपने गांव के लिए। जी मैं बातें कर रहा हूँ कोरोना का। हम तीनों दोस्त भी बाहर में फंस चुके थे और इंतजार कर रहे थे लॉकडाउन टूटने की, कि लॉकडाउन टूटेंगे तो फिर से हम लोग अपना जो काम वाम कर रहे हैं वो अपना फिर से करें। लेकिन लॉकडाउन खुलने की कोई नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन न्यूज़ में देखा कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह फिर जब एक सप्ताह बीती तो फिर देखा कि लॉकडाउन की और भी टाइमिंग बढ़ा दी गई है। हम लोगों में खलबली सी मच गई। बस और क्या था, बस उसके अगले दिन सुनने में आया कि जितने भी ट्रेनें हैं वो सारी की सारी ट्रेनें बंद कर दी गई है और जो लोग जहाँ हैं वही फंसे थे। लोगों ने 2-4-10 दिन रुका, फिर हम लोगों को खाने पीने की संकट से आ गई। फिर हम तीनों दोस्तों ने एक रात को विचार किया और उसी रात को ही निकल पाए। तकरीबन उस समय रात को 2:30 से 3 बज रहे थे। हम लोगों ने अपना अपना बैग उठाया और रात को ही हम लोगों ने अपने रूम से निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। चांदनी रात थी, पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में टाइम क्या है। बाद में हम लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अभी 2:30 ही बज रहा है। एकदम चांदनी रात थी। स्टेशन पहुंचने के लिए हम लोग रास्ते में जंगल पड़ती थी। जैसे ही हम लोगों ने जंगल में इन किया तो हम लोग अचानक से हम लोग डर सा गए। काफ़ी डर भी लग रहे थे हम लोगों को, हम लोग डरे सहमे से थे और हम लोग सब बाहें पकड़ के एक साथ चल रहे थे। तभी पीछे से साउंड कुछ फाइल की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग और भी डर गए और हम लोग साथ साथ चल रहे थे। हम दो दोस्त बातें करते करते आगे बढ़ गए और मेरा एक दोस्त पीछे ही छूट गया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर जब आगे चला तो पता चला कि मेरा दोस्त पीछे रह गया। हम दोनों दोस्त चलते 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 जंगल पार करके नदी के पास पहुंचा और उस नदी को क्रॉस करके हमें स्टेशन पार पहुंचनी थी। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें वो तीसरा जो दोस्त जो पीछे छूट गया था वो हमें आगे बैठा पड़ा मिला। हम लोगों ने दौड़ के उसके पास गया और पूछा, भाई तू कहाँ रह गया था? उसने फिर मुझे बताया कि देखो ना दोस्त, मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल गई थी और उसने हमें देखा और उसके बाद उसने बोला कि क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने उसे बोला, देखो मेरा दो दोस्त था कि वो आगे बढ़ गया है और हमें मालूम नहीं कि किधर जाना है, तो उसने हमारी हेल्प की और उसने हमें यहाँ तक छोड़ा है। तब पता चला जाके कि वो एक अच्छी सी लड़की थी और वो कोई दूसरी कोई और नहीं, वो एक परी थी। तब फिर वहाँ से हम तीनों दोस्तों ने आगे बढ़ा। आगे जैसे ही बढ़ा मुझे सिटी नज़र आने लगा हम लोग, और सिटी में हम लोगों ने प्रवेश किया। उस समय तकरीबन 3 से 4 हो गया था, थोड़ा थोड़ा सवेरा से हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने स्टेशन की तरफ रुख किया। सामने स्टेशन दिखने लगा, फिर हम लोगों को थोड़ी सी आस हुई। रात मिली हम स्टेशन पर पहुँच गया। देख सकते हैं हम लोगों ने ओला बुक की, वहाँ से ओले से। कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में।